नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार ट्यूशन क्लासेस में। मैं आज आपके लिए सामान्य विज्ञान पार्ट टू लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी भर्ती परीक्षा हो, उन सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या होता है, ये क्या है, ये जानना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं आपको दूध के बारे में बताने जा रहा हूँ। दूध में क्या पाया जाता है, इसका रंग कैसा होता है, किसके कारण होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाए। यानी दूध से संबंधित कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका छूटेगा नहीं। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूं। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले मैं इसमें 12 क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। 12 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है पीला। तो जो दूध का रंग होता है वो पीला किसके कारण होता है, तो फास्फोरस कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, फास्फोरस कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। जो दूध का पीला रंग होता है वो किसके कारण, कैरोटीन के कारण होता है। अगर यहीं पे देखा जाए दूध का जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो केसीन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, केसीन प्रोटीन के कारण होता है। यहीं पे एक क्वेश्चन आपका बना सकता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद यहाँ दूध का मीठा किसके कारण होता है, जो दूध मीठा होता है वो लैक्टोज के कारण होता है। किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण होता है। दूध का जो कड़वापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। कड़वापन किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, दूध का जो खट्टापन है, या तो ये कह सकते हैं कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि अम्ल आपका खट्टा होता है और उसी अम्ल के कारण दूध हमारा क्या होता है, खट्टा होता है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर दूध का पीएच मान की बात करें तो पीएच मान 6.4 होता है। दूध से दही का बनना है, जो किंडोनीकरण होता है, ये किसके कारण होता है, ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण होता है। ये जो जीवाणु होते हैं ये दूध को खा खा करके उसे पचा डालते हैं, तो पचने के बाद यही आपका क्या बन जाता है, दही का रूप धारण कर देता है। इसके बाद इसमें खनिज देखेंगे, तो इसमें खनिज की जो मात्रा होती है वो 0.7% होता है। जितना भी दूध होगा उसका 0.7% आपका उसमें खनिज होती है। साथ में अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर देखेंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 4.9% होता है। यहीं पे वसा की बात करें तो ये वसा हमारा 34% होता है, और जो प्रोटीन होता है वो हमारा 3.3% होता है। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 3.3% होती है। साथ में अगर जल देखा जाए तो जल जो होता है वो 87.7% होता है। जी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।